जो यंगस्टर लोग हैं कि अगर आप लोग बेसिकली यंग स्थिति में कोई भी आदमी करप्ट नहीं होता है, उसको सिस्टम करप्ट करता है। अब आपकी स्थिति यह है कि आप नौकरी के लिए निकले हैं, आप चाहते हैं मैं किसी को कोई घूस नहीं दूं, मैं अपनी मेरिट पर बढ़ूं, लेकिन आप जा रहे हैं वहां पर आपसे कोई बात नहीं कर रहा है। घर आप वापस आते हैं तो आप मायूस होकर आते हैं, आपके पिताजी माँ पूछते हैं क्या हुआ, तो आप कुछ ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं। आपको घर चलाना है, आप कैसे चलाओगे? और इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपको शायद मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, हिंदुस्तान में आज 22 साल में जब से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, अल्कोहल कंजम्पशन 400% बढ़ा है, और इससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है वो सभी की सारी आई है। इस पर ध्यान लोग नहीं दे रहे हैं। सोचना होगा कि अगर आप अल्कोहल जो है वो बहुत सारे विकारों का जड़ है, आपके हेल्थ को खराब तो करता ही करता है हर तरह से, आपकी सोच को भी खराब करता है। इस पर आदमी को सोचना होगा। लोग वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें लाए यहाँ पर, लेकिन जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो लाने में लोग यहाँ थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, आप अपने से जाके आप समय पर काम पर अपने से पहुँच जाइए, समय तक काम कीजिए, ये बात यहाँ नहीं। अभी भी लोग निकल जाते हैं काम से, बाहर चले जाते हैं। हम लोग हैं, मैं अपनी प्रैक्टिस में अपने जगह पर सीनियर मोस्ट हूँ, 9 बजे पहुँचना है, मैं 9 बजे के 10 मिनट पहले पहुँचता हूँ, जिससे कि मेरे जितने स्टाफ हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, को लगे कि ये नहीं लगे कि ये सीनियर होके उसका गलत उपयोग कर रहा है। यहाँ पर देख ली है तो लोग बाद में आ जाएंगे, आधा घंटा एक घंटा, ये सब बातें समझने की है। सोसाइटी ऐसी है कि जैसा आप दीजिएगा वैसा आपको मिलेगा। करीब करीब 22 साल पहले यहाँ एक चीफ जस्टिस साहब की डेथ हो गई लंदन में, तो मैं बड़ा हंगामा हुआ था पार्लियामेंट में, वीपी सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, उसी समय में मेरा अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेडिकल एडवाइज़र के रूप में भी हुआ था। तो मैं जो लोग यहाँ से इम्पोर्टेंट लोग या सो कॉल इम्पोर्टेंट जाते हैं उनको मैं देखता हूँ। मेरी फीस सरकार ने 75 पाउंड निर्धारित की हुई है, जो एक पेशेंट देखने की एक बार में, यहाँ सुनने में काफ़ी पैसा लगता है, 6,500 रुपया एक बार में। लेकिन मैंने 15 साल पहले डिसाइड किया कि जिस समाज से, जहाँ से मैं उठ के आया हूँ, वहाँ मुझे कुछ देना भी चाहिए। तो मैंने 15 साल पहले गवर्नमेंट को लिखा, भाई आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी मनी, नाउ आई विल गिव माई सर्विसेज फ्री। क्यों? तो जिस सोसाइटी से आप आए हैं, आपका भी कर्तव्य है कि आप उसको कुछ दें, और अगर आप नहीं देते हैं तो वो एक न एक दिन आपको किसी न किसी तरीके से डंक मारेगा। तो आपको, हमको, सबको मिलके ये सोचना चाहिए कि ऐसे समाज की स्थापना हो जिसमें प्रोग्रेस तो हो लेकिन मोरालिटी, सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए। आज देखिए, आज हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इज ब्रेकिंग स्लोली। यहाँ लोग अपने फादर मदर को ठीक से रखते नहीं, या भूल
भूलना नहीं चाहिए कि आज आप 20-25 के होंगे, 30 बरस के, एक दिन आप फिर 55-60-65 के होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपको कैसे ट्रीट करेंगे? ये अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचिएगा तो आपको लगेगा जो बागवान की स्टोरी रिपीट हो रही है, या एक पहले फिल्म भी बनी थी अवतार करके, तो रिपीट हो रही है। तो बहुत कुछ सिनेमा में जो दिखाया जाता है वो समाज का दर्पण ही दिखाया जाता है, और आपको सोचना चाहिए। मेरे समझ से करप्शन सेल्फ को कम होना चाहिए यहाँ पर। जब तक करप्शन नहीं होगा, आप जैसे यंगस्टर लोग को बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि ये जो है, हम लोगों ने कभी कुछ आज तक जिंदगी में, मैं 62 इयर्स का हूँ, मैंने एक पैसा भी कभी किसी को दिया नहीं, न दिया न लिया, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कि अपने आप अप्लाई कीजिए। आज तक 36 साल से मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ, इनकम टैक्स का ऑफिस भी नहीं जानता हूँ कहाँ पर है। मैं अपने इनकम को चार्टेड अकाउंटेंट को देता हूँ कि इतना हमने साल में कमाया, चार्टेड अकाउंटेंट भर के भेज देता है, और जितना सरकार कहती है उतना हम देते हैं। हम तो यहीं के हैं, सैकड़ों डॉक्टर हैं यहाँ हमारे दोस्त। मैं उन लोगों को कहता हूँ कि तुम लोग तो चोरी रोज करते रहते हो, कैश में पैसा लेते हो, उसके बाद से तुम टैक्स नहीं देते हो। तो टैक्स नहीं जब दोगे तो इनकम टैक्स वाला आके तुमको तंग करेगा, तब एक इनकम टैक्स के आदमी के आगे में तुम्हारी हिकड़ी घूम रहती है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम जितना इनकम कमाते हो उतना दिखलाओ, किसी को दिक्कत नहीं होगी, और वो पैसा सोसाइटी में जाएगा, सरकार में जाएगा, जो सरकार से माना चोरी भी होगी फिर भी कुछ तो आएगा। तो हमारे डॉक्टर लोग भी यही करते हैं यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ सबको, एक प्रोग्राम आया था, आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, आमिर खान ने सत्यमेव जयते करके आया था। क्या गलत किया भाई उसने? कुछ भी गलत नहीं किया। हमारे दोस्त हैं यहाँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। हमने कहा कि उसमें गलत क्या है? देखिए, हमारे यहाँ इंग्लैंड में 35 से 45 डॉक्टर को हर साल डी रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, मतलब कि उसको काम से हटा दिया जाता है, जो आप प्रैक्टिस करने के लायक नहीं है। हिंदुस्तान में आज 60 साल से एक भी डॉक्टर को हटाया नहीं गया। तो क्या यहां सब डॉक्टर इतने तेज हैं और हम लोग इंग्लैंड में बैठे हुए एकदम बेवकूफ हैं? ऐसी तो बात नहीं हो सकती है। यहां डॉक्टर गलती करता है, कोई उसकी सुनवाई नहीं होती है, या तो आप जाके फिर डंडा उसको दिखाइए। और आप लोग या सब लोग भगवान के अलावे नीचे में डॉक्टर को दूसरा भगवान का रूप मानते हैं। तो डॉक्टरों को का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि आप ठीक से सेवा कीजिए। पैसा जो लेते हैं आप लेते हैं, लेकिन उसमें कमी है हमारे यहाँ। तो हम तो परसों भी रात में अपने एक डॉक्टर दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे, तो कहते हैं, लेकिन लगता है बेकार बोलते हैं। वो कहता होगा मेरे पीछे में कि आइडियलिज्म बात करता है, तो मैं क्या करूँ, मुझे जो ठीक लगता है मैं कह देता हूँ। क्योंकि आप, मैं उसको कहता हूँ कि तुम कैसे चाहोगे कि तुम्हारी वाइफ को, तुम्हारे बच्चे को डॉक्टर कैसे ट्रीट करे? जहाँ ये भावना आएगी तो अपने आप में कुछ सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, अपने आप कुछ ठीक से करेंगे। जब न तब सुनने में आता है किसी मरीज का गलत पैर काट दिया गया, यहाँ किसी मरीज की गलत आँख पे ऑपरेशन कर दिया, सुन के बहुत दुख होता है। अगर उस डॉक्टर को लगे कि उनके साथ ऐसा होगा, उनकी माँ के साथ ऐसा होगा, उनकी वाइफ के साथ ऐसा होगा, तो कैसा लगेगा? तो ये भावना जो है यहाँ पर अभी नहीं है, धीरे धीरे आ रही है। लोग जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, और गए हुए थे लोग अभी इंग्लैंड। तो हमने कहा उन लोगों से कि आप लोगों को
ये सिस्टम को ऐसा करना होगा कि डॉक्टरों को भी लगे। और डिपार्टमेंट में जो चोरी होती है उस सब के बारे में तो हमको उतना डिटेल मालूम नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं अपनी कमी को ही कुछ पहले समझता हूँ, बोलता हूँ और कहता हूँ कि कम करे। लेकिन करप्शन जो है हमारे यहाँ एक बड़ा भारी मुद्दा है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ा मुद्दा है, मोरालिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सब के बाद भी हमारा देश इतना आगे बढ़ा, इस देश में धन की कमी नहीं है। तो आप लोग का बहुत समय मैं क्या लूँ, 36 साल का अनुभव कोई 36 मिनट और 30 मिनट में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मुझे फील होता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है डे बाय डे, अच्छी बात है। ये भी लगता है कि हमारे देश में पोटेंशियल की कमी नहीं है, जहाँ पर 2/3 पॉपुलेशन यंग हो वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि करप्शन आज 30-35 साल में सो मेनी फोल्ड्स बढ़ गए हैं। आज तो नॉर्मल ढंग से काम यहाँ जल्दी होता ही नहीं है। आप सोच के चलते हैं कि जब तक पैरवी नहीं करेंगे हमारा काम नहीं होगा, ये गलत बात है। हम लोग वहाँ पर कभी कुछ इस तरह की बात सोच ही नहीं सकते हैं कि किसी को पैसा देना पड़ेगा, किसी को घूस देना पड़ेगा। गायत्री परिवार से तो मैं बहुत सालों से जुटा हुआ हूँ, वहाँ भी जो कार्यक्रम होते हैं, अभी पिछले साल आने के समय में डॉक्टर ओपी शर्मा हैं शांति कुंज में, उनसे हमारी फ़ोन पर बात हो रही थी, वो हमारे यहाँ गए हैं। कई साल पहले श्री प्रणव पांड्या जी मेरे घर पर गए थे, गायत्री माता की मूर्ति की हमारे घर में ये भी की थी। तो ये लोग तो समाज सुधारने का काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप उसमें वही जो लाइन है, हम सुधरेंगे युग बदलेगा। जब तक आप में खुद भी भावना ये नहीं आएगी कि मुझे अपने आप को ठीक रखना है, यू कैन ओनली कंट्रोल योर सेल्फ, यू कांट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द दूसरे लोगों के काम में, तो आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपको अपने काम में कितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए। इससे ज़्यादा और मैं आप लोगों को क्या कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।